हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबा के जामे, आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। तो आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, वो ऐसा होने वाला है कि खुशी भी है, गम भी है, रमजान भी आ रहे हैं और ये लोग भी जा रहे हैं, तो खाला की शॉपिंग कराने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये लोग ईद पे यहाँ रहे और हो सकता है ना भी रहे। उसे कोशिश करना की आ जाओ, अपनी पूरी कोशिश करनी। तो फ्रेंड्स, आज नाजा खाला का यहाँ पे आज लास्ट डे है, इसलिए दोनों बैठ के अपनी बातें कर रही है। अच्छा नहीं लग रहा, ये लोग अभी बैठ के वही बंगले की बात कर रहे हैं कि हमने कितना एंजॉय किया, सब कुछ भूल गए। सोच रही हूँ कि आज मैं ये वाला सूट पहन लूँ, कि इसके साथ ना हमने पैंट सिलाया था। पैंट ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नमाज के टाइम ना बहुत ऐसे टाइट से लगते हैं, और नमाज में ना हमेशा कंफर्टेबल से कपड़े होना चाहिए। तो मैं ये रमजान में नहीं पहनूंगी। रमजान के कपड़े मैं सोच रही हूँ कि मैं इकट्ठा अलग से निकाल के रख लेती हूँ, ताकि रोज कंफ्यूजन ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो वो हम आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। क्या प्लानिंग कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं जल्दी से शार लेके आती हूँ और मैं यूज करूंगी एम कैफीन का बॉडी वॉश। वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है अभी मैं जस्ट कॉफी पीने जा रही हूँ। कॉफी पीने नहीं जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, पता है आपको, समर्स में ना बहुत ही ज्यादा टैनिंग होती है। अभी हम लोग लोनावला ट्रिप से आए तो और भी ज्यादा टैनिंग हो गई है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, हम रोज रोज स्क्रबिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तो एम कैफीन ने प्रोडक्ट बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या होगा कि आपकी जो टैनिंग है वो भी रिमूव हो जाएगी, साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो एक्सफोलिएट भी हो जाएगी। ये बॉडी वॉश आता है नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल एंड फ्रेग्रेंट कॉफी कप में, जिसमें बहुत ही अच्छे कॉफी ग्राउंड्स हैं। कैपेचिनो बॉडी वॉश एक बैलेंस्ड ब्रू है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, माइल्डली एक्सफोलिएट करता है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्किन देता है। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रीमी कैपेचिनो का, कॉफी बीन्स अरोमा का और साथ साथ आमंड मिल्क का, जो की बहुत ही रिलैक्सिंग वाइब देता है और बहुत अच्छा शार एक्सपीरियंस। मैं शार लेके आ गई, इतना अच्छा फील हो रहा है ना फ्रेंड्स, बॉडी से इतनी अच्छी कॉफी की फ्रेग्रेंस आ रही है, स्किन बहुत स्मूथ हो गई है। फ्रेंड्स, ये एम कैफीन का कैपेचिनो बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बना है अरेबिका कॉफी से और स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, ड्राइनेस दूर करता है, स्मूथ बनाता है, और इसमें कैफीन भी है जो हमारी स्किन को टोन करता है, सूथ करता है, और उसमें स्किन बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। साथ साथ इसमें आमंड मिल्क भी है, जो कि बहुत ही पावरफुल स्किन केयर इंग्रेडिएंट है, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, नरिश करेगा और जेंटली क्लीन भी करता है। अच्छी बात है कि 100% नेचुरल, इसमें कोई भी हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल्स नहीं है। पीटा सर्टिफाइड 100% वीगन है, एनिमल इंग्रेडिएंट नहीं है। पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री है, इसमें कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं किया, क्योंकि हम सब अपने फरी एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। प्रोडक्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप मेरा कोड यूज कीजिए जो कि सबा15, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम मार्केट के लिए निकलेंगे। सूट आया था कोलैबोरेशन के लिए, तो वहीं जा रहे हैं, तो इसे स्टिचिंग के लिए भी दे देंगे। इसमें भी मुझे फोटो शूट करना है, ऐसे पंखा बंद करके स्टोरी डालनी पड़ती है, रेडी हुआ उसके बाद पूरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन चलो काम हो गया, मैं रेडी हो गई। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई और कुछ नहीं किया है, वो भी जो भी लगाई थी सनस्क्रीन, वो भी पसीने में निकल गई। अम्मी, आपके सूट का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत खिलता अच्छा हुआ, और गर्मी में तो और भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बस निकल रहे हैं, चलिए चलते हैं। रास्ते भर के पेड़ देखते हुए चलते हो और सारे पहचान लेते हो, कौन से पहचाने की नहीं, जब खेती होती रही। कौन कौन से देखे? चार जगह तो केरी, इतनी बड़ी बड़ी केरी लगी बीरी के देखा। हाँ, बम्बई में बहुत पेड़ है, बहुत इतने कहीं नहीं होंगे, हम नहीं समझते। नीचे के घर नहीं है तुम्हारा, नहीं जाने कितने लगा दे। मेट्रो की टेस्टिंग चल रही है फ्रेंड्स, पहुँच गए। चलो फिर हम लोग आते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सूट की शॉप पे पहुंच गए। सबसे पहले खाला को सूट दिलाने थे, उनको बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए थे, सिंपल कॉटन के सूट चाहिए थे, तो यहाँ पे काफी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद रिजा और सारा के लिए फ्रॉक भी ली। कभी कभी ऐसे बाहर की शॉप्स में भी बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, तो हमें अच्छी लगी, हमने ले ली। और ये वाली मार्केट में आपको पता है सारी चीजें बाहर मिल जाती हैं, तो खाला ने ये मार्केट देखी भी नहीं थी, तो हमने कहा चलो हम आपको यहाँ लेके चलते हैं। फिर उन्हें हमने सोचा कि जूतियाँ भी दिला देते हैं, उनको इस तरह की मोजरीज बहुत पसंद है, तो उन्होंने ये वाली मरून वाली ली। बाद में पल लेना, दे दो, दो चाहिए बिना मलाई वाला, 60 रुपए का। वीडियो कॉलिंग मस्त। नाजा खाला ने और अम्मी ने नारियल पानी पिया और मुझे पीना था गन्ने का जूस, क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी और उस पर मसाला डालो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये इस साल का पहला गन्ने का जूस है, तो और भी ज्यादा मजा आ गया था। वाला मार्केट, तुम्हें कैसा लगा ये मार्केट? अच्छा लगा, हाँ, पहली बार यहाँ पे। अम्मी आपको अच्छा, आप तो आती रहती।
दो ढाई तीन साल हो गए आए हैं बहुत दिन में। नाजा खाला पहली बार फूड लेने आई, सीरियसली सही है, लगा भी आके अच्छा लगा। सरप्राइज, हमें यहाँ पे भाभी मिल गई। तो भाभी अपने काम से आई हुई थी यहाँ पे और हम लोग इधर आए हुए थे और दोनों मिलके। आज मैंने सोचा था कि मैं भी शूट करूंगी लेकिन मुझे इतना नहीं किया कि मैंने आज नहीं किया, तो जो लिया वो घर जाके। हाँ, मैं घर जाके लिया। आज अम्मी बिल देंगी। खाने के बाद हमें और भी शॉपिंग करनी थी, फिर ये ऑक्सीडाइज्ड बैंगल की शॉप देखी तो खाला को वो सारी चीज़ें लेनी थी। ये वाला ट्राई कराया, ये उन्हें नहीं अच्छा लगा तो इन्होंने नहीं लिया। अम्मी को भी दिख गया तो अम्मी ने भी ले लिया। उसके बाद चप्पल दिलानी थी खाला को तो वहाँ पर हम गए, फिर अम्मी को भी लाइट वेट चप्पल मिल गई तो अम्मी ने भी ले ली। बहुत अच्छा कलेक्शन था तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ। मेरे पास ब्राउन में बहुत है, मुझे ट्रांसपेरेंट लेनी थी तो मैं वही देख रही थी। लूज तो नहीं है? नहीं सही। ये और बड़ी हील है, हील देखो। कोई सी भी माँ नहीं बोलेगी कि मेरी बेटी रास्ते में गिरे। कलेक्शन बहुत अच्छा है आपके शॉप का, दिखा दीजिए। पांच कलर है इसमें, सारे कलर्स अच्छे हैं। लोखंड वाला मार्केट में फ्रेंड्स ये फुटवेयर शॉप थी और आप देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है। खैर इस तरह की हील्स मैं पहन तो नहीं पाऊंगी लेकिन जो पहनता है वो जरूर ट्राई कर सकता है। तो हमने बहुत सारी चप्पलें ले ली हैं। उसके बाद हम बाहर निकल गए, हमारे पहचान के भी लोग मिले। फिर सारा के लिए हमें मास्क लेना था और यहाँ पे मास्क का बहुत अच्छा कलेक्शन था तो हमने वो भी ले लिया है। उसके बाद आप लोगों को पता ही है खाला को लहंगा कितना पसंद है तो वो बोल रही थी कितना अच्छा है। उसके बाद खाला को दिलानी थी लिपस्टिक मरून कलर की, दोनों खाला की फेवरेट तो हमने वो ली। और उसके हमें हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स मिले, कभी किसी से मिलके दिल खुश हो जाता है, ये उनमें से ही एक थे। फिर हमने सोचा रेहान के लिए ग्रेप्स ले लें, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद बहुत प्यास लग रही थी तो हम जूस की शॉप पे आ गए, काफ़ी अच्छे अच्छे जूस थे तो हमने कहा ले लेते। और मैंने विटामिन सी बूस्टर जूस लिया था। इतना टाइम आज किसी में नहीं लगा जितना हमें ये जूस लेने में लगा। अम्मी वो फ्रूट सैलड नहीं बना के दे रहे थे, बैठे इंतजार में आराम से कार में बैठे बैठे खाते जाएंगे, हमारा सफर आसान हो जाएगा। नहीं जूस ही धीमे धीमे पीते काय काय मौसम ऐसा उमस है ना, कोहरा में जैसे वो होता नहीं है, ओस जैसा हो रहा है। हमारा यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा मस्ती, खाना पीना सब हो गया है और अभी हम चलते हैं घर। हाँ सारा हेलो, हम लोगों को लगेगा आधा घंटा। पता नहीं मौसम में क्या था, इतना फॉग हो रहा था, कांच खोल के गाड़ी चलाना पड़ा क्योंकि भैया को कुछ दिख ही नहीं रहा था। बज चुका है 10:30, हम लोग पहुँच गए घर, अब चलते हैं ऊपर। अच्छे गाने बजाए तुम्हारे मनोरंजन में और तुम सोती चली आई। आखिरी वाले गाने में उठे ना कजरे की धार, अच्छा लगता है। हाँ। हर एक को लगता है उसी के लिए बज रहे। सही है। कैसा लगा ये गाना? बहुत अच्छा। कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर। हम कौन कोई सिंगार करते हैं। अच्छा आपको अपने लिए लग रहा है? हाँ, उसको अपने लिए लग रहा है। अंदर रिहानो, सब लोग तो कह रहे हैं रिहान इतना स्मार्ट लग रहा है बालों में। हमारे खानदान में सबसे नेक औरत है, नेक बहन है, इसीलिए तो बरकत हो रही थी। माशाल्लाह सच में बहुत अच्छी है, मम्मी की दुआओं से आज सब कुछ है। पाबंदी तुम्हारी अंदर पाबंदी, ये सब इतना सामान क्या रखा है? ये सब रखा है, तुम बाद में सब पूछना। चलो देख के आते हैं। तो पहले आईज क्लोज करो। रेजा आज बड़े फैशन में एक साइड बाल कर रहे हो। नहीं एक साइड नहीं कर रहे, क्या कर ये मैंने नहीं किया तो कर लो ना, अच्छी बात है ना। ओ इतनी प्यारी पार्टी, थैंक यू। ये कर रहे थे तुम लोग? आपके 2 मिलियन हुए थे ना जब हम यहाँ नहीं थे बहुत पहले, जब के लिए तब की पार्टी है वो ट्रॉफी। अम्मी देखो सो स्वीट, सबसे अच्छी बहन की ट्रॉफी। ऐसी बहनें होना चाहिए, बर्थडे का करेंगे जब आएंगे। 2 मिलियन कब हुए थे यूट्यूब पे, लेकिन हम लोग उसका सेलिब्रेशन करना ही भूल गए। कल सारा जा रही है तो एक प्यारा सा सेलिब्रेशन हो गया। थैंक यू सारा, रो के नहीं जाना। हैप्पी 2 मिलियन टू अस, हैप्पी 2 मिलियन टू अस, हमारे 3 मिलियन करा दो, इसी साल करा दो, जल्दी जल्दी करा दो, अभी करा दो। <आगा। laughs>
थोड़ा ठीक करके तुम खराब कर दी। तुम क्यों बची हो अम्मी? मुझे कोई केक नहीं लगा सकता है। Nobody. फेस वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Nobody can put cake on my face. नहीं लगा रेहान, अब मैं सीरियस गुस्सा हो जाऊँ। कोई बात नहीं अम्मी, इसको मना कर दो सीरियसली। अब धो लिया तुमने फेस? हाँ। इससे पहली बार गए थे भोपाल तो उससे एक बार पहले, तब भी हमें केक लगा था, इस बार भी हमें कल जाना है, आज केक लगा। पार्टी पूरी एकदम बच्चों ने इतनी अच्छे से अरेंज की है, खाने का इतना सब कुछ ऑर्डर किया है। 11 बज रहा है सुबह, ये लोग निकल जाएंगे 6 बजे। सारा अवॉइड करती है जाने वाली बात। लोगों ने कार्ड भी दिया है तो कांग्रेचुलेशन शालोपी फॉर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। फर्स्टली यू डिजर्व इट, ऑल वांट यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस। अरे वाह इतनी अच्छी इंग्लिश, यू आर सो क्यूट इनोसेंट एडोरेबल एंड ब्यूटीफुल। तुमने उसे मुझे पीआर पार्सल में कार्ड आया था, उन्होंने मेरे नेम का ना पूरा मीनिंग लिखा था, तो उन्होंने उसे उठा लिया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, वी लव यू वेरी मच, थैंक यू। और बीजी अपना ऑटोग्राफ भी दिया, तुमने भी दिया है का, सारा का। अच्छा तुमने अदीबा लिखा है ना फ्रेंड, जिसको नहीं पता मैं उसे बता दूं कि इसका स्कूल में नाम अदीबा है। ट्रॉफी दे दो, वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर। कि बहन ने आपको अच्छा कहा, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से मैं अच्छी बहन हूँ? हाँ। लेकिन मैं तो डांटती हूँ। आज नहीं डांटती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, पहले डांटती जब छोटे, जब सब्जी नहीं खाते थे तब, अभी नहीं। जैसे हम लोग कुछ ऐसा नहीं खाते तो आप डांट देती कि मतलब हम लोग के अच्छे के लिए खाए। यकीन नहीं करेंगे वो दिन था जब हम लोग गए थे कि आज खाला लोग आई है, आज हम पहली बार साथ में वॉक पे जा रहे हैं, और आज ये है कि हम लोग अभी आखिरी बार इस टाइम के ट्रिप में वॉक पे जा रहे हैं। दिन कितनी जल्दी निकल जाते। वॉक जो है वो हो गई है, अभी चलते हैं घर। सुबह निकलना भी है तो अभी उसका नाश्ते का सामान भी अभी बना लेगी, मतलब जो भी खाना लेके जाएगी। अल्लाह इतना लड़े अभी हम लोग, तुम लोग जाते जाते लड़ाई हो गई। इस बार इन दोनों की बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई। रिजा बहुत मिस करेगी सारा को। सारा आज हम लोगों ने बहुत शॉपिंग की। अरे वाह, आज ही हमने तो सबसे बोला था कि हमारे पास एक ही हमारा से दो। कपड़ों से भी हर चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा। फ्रेंड्स खाला ने ये सूट लिया है, ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने भी पहना था ना व्लॉग में, तो सारे फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे थे कलर बहुत अच्छा है। तो अच्छा लग रहा था तुम्हारा उस दिन। तो ये कुर्ता, ये दुपट्टा और ये सलवार, ये वाला इसका कलर बहुत अच्छा। नाजा खाला हमेशा लाइट कलर्स पहनती है, तो मैंने कहा इस बार ये पहना, अगर ये ईद में नहीं आ पाए तो फिर यही सिला रहे। ये पिंक वाला रिजा का है, ऊपर उठाओ। बहुत अच्छी है। अच्छा हाँ, फ्रॉक बहुत अच्छी है, रमजान में पहनना। हर माल 5-5 रुपए। अच्छा हम छोटी करते हैं इसलिए। बड़े बाल में बड़ा क्लच है। अभी हमारा एक टूटा भी था। अम्मा के भी, अम्मी के भी, रिजा के भी, पता नहीं मैंने एक तुम्हारे लिए हर एक सारे के लिए। तुम लोग को पसंद है ना? उन्होंने कहा चलो जाते। अरे हाँ शालू भी लाई है इस बार। अरे ब्लू है तुम्हारे लिए, क्या है? सबके फेवरेट है। लो शालू पी जैसे यहाँ का साफ साफ हमारा गंदा। मैं तो लगा लूंगी, फिर 3 दिन तक लगाई। हाँ चलो वॉशरूम कैसे जाओगी? मैरून लिपस्टिक दिलाई है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो अच्छा है, खूबसूरत है। हाँ फिर ये उन्होंने कहा था थोड़ी निकाल के लगाना। ये कैसे है? ये तो नोक नोक निकली है। सही है, छोटा ना। बच्चों वाला ना पाता आता है, जब भी हम मार्केट जाते हैं तो कहेंगे बच्चों क्यों जा मिले, वहाँ जाया करो। जूती वो चमक वाली सच्ची अम्मी ये लेके आए हैं, पहले हमने लिए थे। चलो मैं अपनी सैंडल्स आपको अगले व्लॉग में दिखा दूंगी। सारा टिकट चेक कर लो आ गया। नाजा खाला ने ये 500 रुपए दिए हैं, हमेशा जाते वक्त देती। टिकट मिल गया सारा, सभी बच चुका है 3:30 और अभी भी ये लोग जग रहे हैं। और अभी अल्लाह हाफिज सारू, फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को एंड करने लगी हूँ। आज के दिन बहुत अच्छा था खाला के साथ, आज मार्केट जाके खाला 2 साल बाद लोखंडवाला गई थी, फूड इन पहले बार गई थी, शॉपिंग की, मजे किए, खाया पिया, बहुत अच्छा दिन था। फिर सरप्राइज भी मिल गया रिजा सारा की तरफ से, क्यूट सी पार्टी। लेकिन अभी बहुत बुरा लग रहा है कि वो लोग जा रहे हैं, दिन कितनी जल्दी जाते हैं फ्रेंड्स पता ही नहीं चलता अपनों के साथ। लेकिन इंशाल्लाह दुआ है कि वो लोग फिर जल्दी आ जाएंगे। जल्दी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब कर लीजिए. अल्लाह हाफिज़. आई लव यू. अगर आपको भी एम कैफीन के प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं तो आप उनकी वेबसाइट जो कि है www.mcaffeine.com पे जाके ले सकते हैं. और मेरा कोड यूज करना मत भूलिए जो कि है SABA15, तो आपको बहुत ही अच्छा सा डिस्काउंट भी मिलेगा. तो जल्दी जाइए, आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे. और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा.